मैं हूं हूँ शिपालिकवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेस्ट आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं वो डेट जो अब जीएसटी के, के अंदर परमानेंटली बढ़ चुकी हैं जीएसटी एक्ट के अंदर सितंबर महीने की बहुत महत्ता थी पहले तो पूरे जीएसटी एक्ट के अंदर सितंबर वर्ड बार 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 यूज़ किया गया था अलग अलग तरह की रेस्ट्रिक्शंस पुट की गई थी सेप्टेंबर मंथ को यूज़ करके बट पता प्रॉब्लम क्या थी कहीं पर सेप्टेंबर मंथ की लास्ट डेट कहीं पर बाई द एंड ऑफ सेप्टेंबर कहीं पर बाईस सेप्टेंबर उस सेप्टेम्बर को और कहीं पर ड्यू डेट और कहीं पर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ सेप्टेम्बर रिटर्न तो उसको अलग अलग जगह लिख के इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि भाई आपने पाँच जगह अलग अलग डेट दी जैसे लॉ में कई बार होता है ना कि कहीं पे लिखा होता है बाई वन मंथ और कहीं लिखा होता है थर्टी डेज तो कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि यार सब जगह थर्टी डेज ही कर दो ना यह सब जगह वन मंथ ही कर दो मतलब बाई वी ऑलवेज नीड टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड हमें उसको हमेशा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है कि कहीं एक महीना लिखना है कहीं तीस दिन लिखना है कहीं एक महीना लिखना है कहीं तीस दिन लिखना है तो बंदे को एक यही काम है कि किस सेक्शन में तीस दिन लिखा है किस सेक्शन में एक महीना लिखा है या एक दो तीन इतने दिन का फर्क हो सकता है ना दोनों के बीच में किसी महीने में इकतीस होंगे किसी महीने में तीस होंगे किसी महीने में कम हो जाएंगे फेबर के महीने में बस तो वही सिम्पलीफिकेशन अपने कम से कम जीएसटी में तो लेके आए हैं तो अलग अलग सेक्शन में लिखा हुआ था सेप्टेम्बर कहाँ कहाँ लिखा होता है सिक्सटीन फोर में लिखा हुआ था थर्टी फोर सेक्शन में लिखा था फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिट नोट्स देन और कहाँ पे लिखा हुआ था रिटर्न के जितने भी सेक्शन है वहाँ पे लिखा होता है कि रिटर्न को एडिट करना है करना तो आप तब कर सकते हो सेक्शन एट की जो रिटर्न है उसको भी अगर आपको अमेंड करना है एडिट करना है तो सब जगह अलग अलग जगह सेप्टेबर लिखा होता अब उन्होंने उन सारे सेप्टेंबर्स को चेंज करके और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और बाई मंथ वो सारे जो लैंग्वेज के उन्होंने डिफ्रेंसेज अननेसरि क्रिएट कर रखे थे इतनी सारी डेट्स क्रिएट कर रखी थी उन सबको ख़त्म करके उन्होंने उसको एक सिंगल डेट कर दिया है बाय दी थर्टी एथ नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और सब जगह थर्टी नवंबर हो गया है अब मैं आपको बस ये डिस्कस करूँगी किस किस जगह पे हुआ है और उसका क्या एक्चुअली इम्पैक्ट आता था हम तक तो सबसे पहले सेप्टेंबर वर्ड यूज़ हुआ हुआ था वो हुआ हुआ था फॉर द क्रेडिट नोट्स क्रेडिट नोट्स को अपनी रिटर्न में शो करने के लिए याद रखिए क्रेडिट नोट्स को इशू करने के लिए नहीं क्रेडिट नोट्स इशू करने के लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं थी लेकिन क्रेडिट नोट को अपनी रिटर्न में शो करने के लिए अगर आपका जिस महीने में क्रेडिट नोट आपने इशू किया उस महीने में भूल गए आप करने से तो उन्होंने कहा था कि अगले साल का जो सेप्टेम्बर है तब तक आप कर सकते हो तो उन्होंने बोला कि नहीं आप थर्टी नवंबर तक कर सकते हो ध्यान रखना थर्टी एथ नवंबर लिखा है थर्टी एथ नवंबर ये नहीं लिखा कि नवंबर की रिटर्न फाइल करना तो थर्टी एथ नवंबर तक अगर आपने अपनी अक्टूबर की रिटर्न तब तक नहीं फाइल की तो आप थर्टी एथ नवंबर तक कर सकते हो अगर आपने पहले ही रिटर्न फाइल कर दी तो आपके पास कोई चारा नहीं है ना दोबारा से अक्टूबर की रिटर्न फाइल करने का क्योंकि नेक्स्ट मंथ की ओपन होती है बाद में तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अक्टूबर की रिटर्न आप तभी फाइल करना जब आपकी सारी एडजस्टमेंट जितनी भी है नोट से रिलेटेड वो आप सारी की सारी कर चुकी हों क्योंकि आपने एक बार रिटर्न फाइल अगर कर दी तो फिर उसको रिवाइज वो करने देंगे या नहीं करने देंगे बिकॉज थर्टी एथ नवंबर इज दी लास्ट डेट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज देन सेक्शन सिक्सटी फोर सेक्शन सिक्सटीन फोर बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आपका उसको लेने की भी जो लास्ट डेट थी अगेन सेप्टेबर मंथ यूज़ किया गया था वहाँ पर उसको भी थर्ट ईथ नवंबर कर दिया है अगेन ध्यान रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम कैसे करते हैं रिटर्न फाइल करके तो आपको रिटर्न के हिसाब से अब देखना है कि उस डेट तक हम रिटर्न कब फाइल कर रहे होंगे उसकी तो अगर आप डिलेट कर रहे हो तो थर्टी नवंबर तक की डेट आपको मिलेगी लेकिन आपने बाय ड्यू डेट कर दी तो आपकी पहले ही फाइल हो चुकी होगी तो अगेन उसको फाइल करने से पहले ही मुझे सारे के सारे जो क्रेडिट्स हैं अपने उनका रिकनसिलेशन करना है और अब नेक्स्ट महीने में आ ही जाएगा तो यानी कि उसका रिकनसिलेशन एक्चुअली हमें स्टार्ट ऑलरेडी कर देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम देट कोई भी आपकी मिस्टेक रह गई है आपकी जी की रिटर्न में आपकी जी एस टी आर वन के अंदर तो उसको आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं जी एस टी आर थ्री बी के अंदर कोई आपकी मिस्टेक है अभी तक की तो उसको भी रेक्टिफाई करने की लास्ट डेट जो है आपकी वो नवंबर है थर्टी एथ नवंबर तक तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था तो बहुत सारे सेप्टेंबर सेप्टेम्बर हटा के अब एक सिंगल उन्होंने नवंबर कर दिया है तो याद रखना आसान है इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हो थैंक यू सो मच एवरी वन